तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। नहीं 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 हो तो कोई बात नहीं यार, ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं ऐसा क्यों? क्योंकि अभी पता ही आप लोगों को, गरीना वाले स्कैम पे स्कैम करते रहते, वो पहले भी लूटेंगे और बाद में भी लूटेंगे और अभी भी लूटेंगे। जो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, जो इवेंट से उन्होंने पहले लूट लिया वो इवेंट फिर से वो रिटर्न ला रहे, उससे फिर लूटेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे इवेंट के बारे में जो पहले आ चुका और फिर से आने वाला है, रिटर्न में आएगा, और उसके बाद जनवरी का इलाइट पास में क्या क्या है, लेना चाहिए नहीं चाहिए, बढ़िया है बढ़िया नहीं है, क्या क्या है उसमें, वो सभी बताएंगे। और उसके बाद 10 ऐसे बंडल के बारे में बात करेंगे जो ये वाला अपडेट में सब में आने वाला है, फेडेड व्हील में आया है, कुछ में आया है कुछ में, मगर आने वाला है, तो ऐसे अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की। तो उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जब भी कोई अपडेट वाली वीडियो आएगी तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा, हमारा ही चैनल पे मिलेगा यार। ठोको लाइक सब्सक्राइब, चल झूठा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अभी मजा आएगा ना वीडियो, ये हुई ना बात। तो अभी हम लोग जल्दी से बोल दो कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करें। इलाइट पास नहीं, कुबरा एमपी 40 नहीं, 10 अपकमिंग बंडल्स नहीं। तो भाई मैं करूँ क्या, छोड़ दो वीडियो बनाना बंद कर दो यार, आप लोग बोलोगे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। चलो कोई ना, सबसे पहले हम लोग इलाइट पास के बारे में बात कर ले। नहीं इलाइट नहीं, तो चलो अभी बंडल के, चलो यार सब बात हटाओ, सबसे पहले हम लोग कोबरा बंडल के बारे में बात करेंगे। कहां से आते? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कोबरा बंडल आने वाला कब है, तो हमारे सर्वर में कोबरा बंडल आने वाला है 25 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक, इसका डेट है। आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वही कोबरा एमपी 40 है। बाबा! आप लोगों को पहले ही पता है कि ये वाला आ भी चुका है। अभी आपको निकालने में कितना डायमंड लगने वाला है, मैक्स करने में कैसा जाएगा क्या जाएगा, तो इसको सब के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप लोग कोबरा एमपी 40 स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों को बता दूं, ये निकालने में आपका 9 से 40 डायमंड जाने वाला है। तेरे बाप को मत सिखा, अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। और लेवल 1 पे सबसे पहले बता दूं डैमेज प्लस है, रेट ऑफ फायर प्लस रिलोड स्पीड डबल माइनस। उसके बाद लेवल 5 पे डैमेज प्लस, रेट ऑफ फायर प्लस रिलोड सिंगल माइनस। तो लेवल 1 और 5 में कुछ फर्क नहीं है। अगर आप ये गन निकालते हो तो जैसे भी आपको लेवल 1 पे चलाना पड़ेगा, नहीं तो लेवल मैक्स करना ही पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो लेवल 1 के निकालने में 9 से 40 डायमंड, और लेवल मैक्स करने में आपका ये किडनी या 2 किडनी हट भी जा सकता है, तो अभी यहाँ पे डिपेंड है आपको क्या करना है। आपको हार्ट बेचना है, किडनी बेचना है, जो भी बेचो लेवल मैक्स करना है तभी निकालना, नहीं तो कोई काम ही नहीं है इसका। तो अभी मैं आप लोगों को इसका एक्सक्लूसिव जो इमोट मिलता है वो इमोट भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो इमोट भी बहुत उपयोगी वाला है, मगर इमोट के लिए 7 लेवल तक जाना पड़ेगा। तो 7 लेवल के जाने के पास आप लोगों को किडनी या कुछ तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि इतना सिंपल तो नहीं है। तो ये था हमारे कोबरा बंडल। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? अक्कल है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इलाइट पास के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग 10 अपकमिंग बंडल्स के बारे में। नहीं नहीं, चलो कोई नहीं यार, तो चलो यार हम लोग 10 बंडल्स के बारे में बात कर ले। आप लोग जो बोलोगे यार वही करेंगे यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। आप लोग जो बोलोगे यार वही करेंगे, क्या ही कर सकते हैं हम। चलो बंडल्स के बारे में बात करें, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। स्क्रीन पे सारे के सारे बंडल आने वाले हैं, आप लोग देखना और आप लोग कमेंट करना मत भूलना कि कौन सा बंडल अच्छा लगे। जैसे आप लोग पहला नंबर का बंडल देख सकते हो, इसका हेयर मेरे को अच्छा लगा, बंडल ठीक है, ये आप लोग निकाल सकते हो, मगर आपकी मर्जी, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके पैसे लगने वाले। तो आप लोग देख लेना आपको जो अच्छा लगे वो निकालना। ये था हमारा दूसरा बंडल, आप लोग दूसरा बंडल में देख सकते हो, ये लाइट पास जैसा बंडल है, बंडल ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जितना दिन होते जाएगा फ्री फायर अच्छा अच्छा लाते जाएगा, चल झूठा, अच्छा और बुरा भी लाता है, मगर ये वाला बंडल थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद ये वाला बंडल, भाई ये चोर जैसा खड़ा की हुए, गजब बेइज्जती है, ये लगता है रो रहा है, देखो तो सही। आप लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। कुछ इमोशन ही नहीं है भाई। ओहो भाई, ये इसको मैं क्या बोलूं। चलो बंडल ठीक है, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई है ना, क्या बोला तूने, इसीलिए ऐसा मुंह लटका कर बैठा हुआ। चलो फिर भी ठीक है, ये बंडल भी ठीक है, जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्योंकि आपको पता है ये नया इवेंट में बंडल ठीक है। वो भाई
मगर ये वाला बंडल लड़की को देना चाहिए था ना, क्योंकि पिंक पिंक लड़की लगाती है, लड़का तो भाई जहरीला खोजते आँख आँख खोजते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये बंडल लड़की को देना चाहिए, मगर गरीना वाले अभी तो सिर में लड़का का बंडल दिखा रहा हूँ, लड़की का बंडल इसमें एक भी नहीं होगा। उसके बाद ये वाला देख सकते हो, ये भी लड़की का बंडल लड़का में दे दिया, क्या ही कहूँ। गरीना वाले को समझ ही नहीं आ रहा भाई, उनका डिजाइनर क्या कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देख रहे हो लड़की का ड्रेस लड़के में दे रहे हैं, ऐसा तो करेंगे तो होगा ही नहीं। उसके बाद ये वाला बंडल आप लोग देख सकते हो, ये भी बंडल बहुत ही ओपी तरीके का है, मगर ये तो भाई गोल्ड रॉयल में देना चाहिए, वैसा बंडल है आप लोग देखो तो। नहीं आप लोग लगता है नहीं ये गोल्ड रॉयल में आना चाहिए, चलो कोई ना, अभी आपकी मर्जी। अब ये बंडल देख रहे हो, ये बंडल फेडरल रूल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अभी आप लोग देखते रहो और कमेंट करना कि आपको सबसे बढ़िया कौन लगा, क्योंकि आपको कमेंट से अगर आपको कमेंट आया और हमारा 3K कंप्लीट हो जाता तो किसी एक बंदे को जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा वो किसी एक बंदे को हम आईडी में निकाल कर देंगे। तो आप लोग देखते रहो आपको कौन बढ़िया लगा, मेरे को तो बहुत यूपी लगा, तो भी आप लोग देख लो आपको कौन सा लगा। तो ये था हमारे 10 बंडल्स, अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इलाइट पास। नहीं नहीं तो भाई अभी नहीं बोलोगे तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, इलाइट पास ये इलाइट पास के बारे में बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो बंद कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। हाँ तो चलो अभी ठीक है, इलाइट पास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो जनवरी के इलाइट पास है, और अभी आप लोगों को बता दूं आपको इलाइट पास लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या क्या है, क्या ओपी है, क्या खराब है, क्या इसमें देना चाहिए था, क्या इसमें नहीं दिया। तो चलो अभी मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ और लास्ट में रिव्यू ले लेना, और इसके बाद लास्ट में एक टिप्स भी है, वो टिप्स आप लोग लेकर ही जाना। तो अभी आप लोग जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो सब जनवरी का इलाइट पास का आइटम है, देख सकते हो फ्री वाला आइटम ये सब कुछ है। तो अभी मैं बता दूँ आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो लड़की का बंडल कैसा है, तो लड़की का बंडल ठीक ही है उतना, मगर खास नहीं है। उसके बाद एक मैक्स 7 का स्क्रीन है, उसके बाद तो फ्री में तो कुछ देता नहीं है ग्रेनेड को पता ही है। उसके बाद ये देख सकते हो ये क्या है, चलो ये 100 वर्ड होगा मे बी। उसके बाद ग्रेनेड का स्क्रीन भी ठीक ही ठाक है, तो मेरे को इलाइट पास उतना ज़्यादा जितना बोलते हैं उतना खास नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें एक इमोट नहीं, इमोट सबसे बड़ी कमी है जो इमोट अगर रिमोट होता तो बहुत ही ओपी वाला। उसके बाद बैकपैक देख सकते हो, बैकपैक ठीक है, तो मगर रिमोट नहीं है इसके कारण मेरे को थोड़ा बहुत लो लग रहा है। अगर आप इलाइट पास लेते हो तो ले सकते हो, नहीं तो आप पैसे सेव करके इलाइट पास लेते हो तो ये वाला इलाइट पास ना ही लो तो ठीक है, क्योंकि उतना खास मेरे को इलाइट पास लगा नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ही लो इलाइट पास है। पहले इलाइट पास क्या ओपी तरीके से आता था और अभी का इलाइट पास क्या बॉट की तरह इलाइट पास थे। तभी यहाँ पे डिपेंड करता है आपको लेना है नहीं लेना है, क्योंकि मेरा सुपर से पूछोगे तो आप लेते हो तो ले लो, नहीं तो मत लो। तो जल्दी जल्दी हमारा 3K करा दो, 3K पे हमारा गिवअवे होने वाला है। तो जितने भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई आप लोग उसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लो, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी पता चले, पैसे सेव करके रख लो अगर लेना है तो। मिलते हैं तब तक के लिए कोई अगली वीडियो में कल, तो तब तक थैंक यू सो मच वीडियो वॉचिंग करने के लिए।